हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। सो आज हम अपने चैप्टर वन का सेवेंथ पार्ट कवर करेंगे। सो इसमें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैशन डिजाइनर्स एंड ब्रांड्स के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट फैशन डिजाइनर्स एंड ब्रांड्स, जिसमें कि इंटरनेशनल और नेशनल हम लोग दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट टॉपिक इज द ग्लैमर ऑफ फैशन एंड ओवरव्यू। Fashion appears to be a glamorous business involving the act of designing and producing beautiful clothes desired by consumers that bring fame to the creator when viewed from outside the industry. However, it takes not only creativity but also long hours of extremely hard work, because बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जो designers होते हैं वो सिर्फ फैब्रिक लेते हैं और उसको स्टिच कर देते हैं, बट दैट इज नॉट समथिंग कॉल्ड एज क्रिएशन। ओके, एक्सट्रीमली हार्ड वर्क एंड इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन टू क्रिएट कलेक्शंस दैट कैप्चर्स द अटेंशन ऑफ ऑडियंस इन ईच सीजन, क्योंकि फैशन चेंज होता रहता है। दिस इन्वॉल्व्स कंज्यूमर एंड मार्केट रिसर्च, बिकॉज बिना रिसर्च के गारमेंट बनाना इज नॉट considered as creation, वो सिर्फ application समझा जाएगा। Research and development on textiles, fabrics में नई नई technologies आती रहती हैं, नई नई चीज़ें हर साल कुछ ना कुछ modifications आते रहते हैं, तो उसके ऊपर research और latest technology of producing fashionable clothes. The origin of this glamour in fashion can be traced back to the early 17th century when France emerged as the center of luxury silk textiles in Europe. Ladies of high social rank, means उस time की जो royalties होती थी, would commission highly skilled garment makers to produce personal gowns and accessories for social and court occasions. तो जब भी उनके कोई occasions होते थे, कोई parties होती थी, कोई events होते थे, तो वो लोग highly skilled garment makers को कमीशन बेसिस पे, पे बेसिस पे रखते थे और उनसे पर्सनल गाउन्स एंड एक्सेसरीज डिजाइन करवाया करते थे। ये सिर्फ रॉयल्टीज के लिए लिमिटेड था, कॉमनर्स नहीं कर पाते थे बिकॉज उनके पास अफोर्डेबिलिटी का ऑप्शन नहीं होता था, मतलब वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। दीज मेकर्स वुड क्रिएट वन ऑफ अ काइंड क्लॉथ, जो डिफ्रेंशिएट करते थे रॉयल्टी को कॉमनर्स से। ओके, It was not until the mid 19th century का क्या मतलब हुआ? अगर हम 19th century की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम 1800s वाले years की बात कर रहे हैं। Mid 19th century means 1850s के आसपास। So जैसे कि अभी 2023 चल रहा है, तो अभी हम 21st century में रह रहे हैं। मीन्स जो भी ईयर्स चल रहे होते हैं उसमें अगर आप प्लस वन कर देंगे तो वो सेंचुरी बन जाएगी। 19th सेंचुरी में अगर हम माइनस वन करेंगे, इसका मतलब वो ईयर्स दे देंगे हमें, कौन से वाले ईयर्स? 1800s वाले ईयर्स। मिड 19th मतलब 1850s के आसपास वाले ईयर्स। दैट चार्ल्स फ्रेडरिक वर्ड, हु वाज ओरिजिनली फ्रॉम इंग्लैंड बट सेटल्ड इन पैरिस इन 1845, फर्स्ट इंट्रोड्यूस कस्टमर्स टू गारमेंट्स डिजाइन created and marketed by the House of Worth. ये एक couture house था based in France. The House of Worth was a French fashion house that specialized in haute couture, ready-to-wear clothes and perfumes. It was founded in 1858 by English designer, जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। He exhibited his collection characterized by lavish fabrics, trims, ये भी बहुत expensive materials use करते थे, जैसे कि haute couture को बनाने के लिए use होता है। But एक चीज थी, तब तक तो ये royalties के लिए था, लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो चीजें live models पे दिखानी शुरू करी, जो कि आज भी होता है, live models पे दिखानी शुरू करी। That led to the birth of modern fashion catwalk. The novelty and success of his ideas are the reason for his renowned as father of couture. Charles Frederick Worth को father of couture के नाम से भी जाना जाता है। So let's proceed further. Okay, so today the four major fashion capitals are acknowledged to be Paris, Milan, New York City and London. India नहीं है, इंडिया की कोई भी सिटी नहीं है
इंडिया इमर्ज हो रहा है बट अभी वो फैशन कैपिटल बना नहीं है. सो टुडे द फोर मेजर फैशन कैपिटल्स आर पेरिस, मिलान, न्यूयॉर्क एंड लंदन, वेयर द हेड क्वार्टर्स ऑफ द बिगेस्ट फैशन कंपनीज आर बेस्ड. यहाँ पे बहुत बड़े बड़े फैशन शोज हर साल में दो बार ऑर्गेनाइज होते हैं और जनरली यहीं से फैशन ट्रेंड्स इमर्ज करते हैं. द ग्लैमर ऑफ फैशन, फिर से हम लोग अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं. द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स नोन फॉर देयर क्रिएटिविटी एंड लग्जरी ऑफ देयर क्वालिटी पुल स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन ग्लोबल फैशन बिजनेस. ऑब्वियसली फैशन वीक्स आर हेल्ड इन दीज सिटीज वेयर डिजाइनर्स एग्जिबिट देयर न्यू क्लोथिंग कलेक्शन टू द प्रोफेशनल फैशन बायर्स. इन फैशन शोज में बहुत सारे बायर्स भी बैठे होते हैं, मीडिया पर्सन भी होते हैं, दूसरे डिजाइनर्स भी होते हैं जो उसको लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज करते हैं. शोज बाय कुतूर ब्रांड्स सच एज शनेल, डियोर, सेंट लॉरेंट एक्सेट्रा एंड हाई एंड प्रेट लेबल्स लाइक दीज केप्ट पेरिस एज द सेंटर मोस्ट वॉच्ड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उन चार फैशन कैपिटल्स में भी पेरिस में सबसे ज्यादा फैशन शोज होते हैं और पेरिस को ही सबसे ज्यादा रिनाउंड फैशन कैपिटल माना जाता है. हॉट कुतूर इज सपोर्टेड बाय इट्स प्रेट कलेक्शंस, एक्सेसरीज एंड परफ्यूम्स यूजिंग द सेम ब्रांडिंग. क्योंकि हॉट कुतूर जरूरी नहीं है कि एकदम से सेल हो जाए, बट जो प्रेट वाले लेबल्स या प्रेट वाली कलेक्शन होती है उसके साथ साथ परफ्यूम्स और एक्सेसरीज भी सेल आउट की जाती है इन द नेम ऑफ द ब्रांड. ओके, नेक्स्ट वी विल स्टडी इन्फ्लुएंशियल इंटरनेशनल डिजाइनर्स इन द 20th सेंचुरी. ओके, इन द हिस्ट्री ऑफ फैशन ट्रेंड सेटर्स सम डिजाइनर्स हैव एस्टैब्लिश्ड देयर इन्फ्लुएंस बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द स्पिरिट ऑफ द टाइम. बिकॉज डिजाइनर्स अपने अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, स्पिरिट ऑफ द टाइम्स, उस टाइम की क्या सोशियो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस हैं, क्या ट्रेंड्स हैं या क्या फोकास्ट है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं एंड ट्रांसलेट इट इनटू वाइडली एक्सेप्टेड फैशन. मतलब उस चीज को एनालाइज करके और गारमेंट्स में उतार देना. डिजाइनर्स ड्रॉ देयर इंस्पिरेशन एंड थीम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. ट्रेडिशन हो सकता है, साइंस फिक्शन हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है, कंटेम्प्रेरी यानी कि उस टाइम के इवेंट्स, आर्ट एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है. द 1920s इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्लैपर लुक. इस तरह का फ्लैपर लुक हुआ करता था जिसमें कि रेक्टेंगुलर सिलोएट होता था, एज यू कैन सी विच हैड अ रेक्टेंगुलर सिलोएट, ड्रॉप्ड हिप लाइन विद अनइवन हैंकरचीफ हेमलाइंस. हेमलाइंस इज द बॉटम मोस्ट स्टिच ऑफ द गारमेंट, तो हेमलाइन इसको बोलते हैं. ये देखिए आप, हैंकरचीफ की शेप में है, ये अनइवन है, एकदम सेम नहीं है, जैसे ड्रेसेस की होती है वैसी नहीं है, अनइवन है. सो दिस वॉज द फ्लैपर लुक विच वॉज पॉपुलर इन 1920s. गिवेंची ओपन्ड हिज ओन हाउस इन 1952 एट द एज ऑफ 24 and was recognized for hyper-structured yet fluid silhouettes and the shapeless sack dress. जैसे कि हम इसमें देख सकते हैं, उनके इस तरह के fluid silhouettes हुआ करते थे and इस तरह की sack dress उन्होंने design की थी, जिसका कि कोई proper shape नहीं होता था. And for designing the wardrobe for the Hollywood actor Audrey Hepburn on and off the screen. In 1960s, Cardin created futuristic space age fashion. मतलब इनके जो डिजाइन होते थे वो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक होते थे. Marie Quant interpreted the socio-cultural environment in London. As you can see here, futuristic design of Cardin. And here are the socio-cultural influence design of Marie Quant. Vivienne Westwood often references history but interprets in a rebellious way. Means वो history में जाते थे, सारी चीजें research करते थे, लेकिन जब उसको present करने का time होता था तो वो उसको historical way में present नहीं करते थे या traditional way में present नहीं करते थे, उसको rebellious way में present करते थे, just like these.
as you can see here, these quotes and these prints on the t-shirts and tops. In 1970s, broad dresses that required no zippers or buttons. 1970s कुछ ऐसी ड्रेसेस ले आया जिसमें जिपर्स और बटन्स की जरूरत ही नहीं थी, जैसे कि फ्री फ्लोइंग जर्सी हॉल्टर, वन शोल्डर स्टाइल ड्रेस बाय हॉल्सन एंड द किमोनो इंस्पायर्ड रैप ड्रेस बाय फर्स्टनबर्ग. जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, किमोनो इंस्पायर्ड ड्रेस, दीज टाइप ऑफ हॉल्टर टॉप्स एंड दीज टाइप ऑफ वन शोल्डर ड्रेस. I hope that's clear, and if you have any doubt, you can comment down. I will be really happy to help. Okay, lead further. In 1980s, American sportswear designers Calvin Klein, इनको सब जानते हैं, and Ralph Lauren became global names. In 1990s, decade was dominated by Galliano and Alexander McQueen. The ability to think out of the box, कुछ out of the box ही बनाते थे ये लोग differently, thereby creating a new design direction, gives the designer label its particular characteristic, जिससे कि हम उसको पहचान सकते हैं कि अच्छा ये design इस particular designer का है, because उसमें एक unique selling proposition add हो जाता था, उसकी एक USP add हो जाती थी. For example, एक brand की USP है कि वो blue color में ही कपड़े प्रोड्यूस करता है, या एक ब्रांड की यूएसपी है कि वो सिर्फ इंडियन वेयर में डील करता है. व्हाटएवर द सोर्सेज ऑफ इंस्पिरेशन फॉर क्रिएटिंग अ कलेक्शन मे बी, द डिजाइनर्स क्रिएटिव डिजाइन अप्रोच गिव द ब्रांड इट्स आइडेंटिटी. इससे क्या होता था, ब्रांड को उसकी आइडेंटिटी मिलती थी. सम ऑफ द पायोनियर्स हु स्टीयर्ड द डायरेक्शन ऑफ फैशन आर डिस्कस्ड. मीन्स अब नेक्स्ट उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे डिजाइनर थे जिन्होंने फैशन को एक अलग ही डायरेक्शन दे दी. यूएसपी बेसिकली एक ऐसी चीज होती है जो उसको बाकी ब्रांड से डिफर करने में भी हेल्प करती है. सो लेट्स स्टडी अबाउट द डिजाइनर्स. ही इज पॉल पोएट. सो ही बिगैन हिज करियर विद द हाउस ऑफ वर्ड, जो हमने पढ़ा था चार्ल्स फ्रेडरिक वर्ड ने स्टार्ट किया था. तो इन्होंने अपना करियर उसी हाउस ऑफ वर्ड से स्टार्ट किया, बट लेटर ही ओपन्ड अ स्मॉल शॉप इन पेरिस इन 1903. ही रिवाइव्ड द हाई वेस्टेड गाउन्स नोन इन फ्रांस एज एम्पायर स्टाइल. अगर आपकी पियर शेप बॉडी है तो एम्पायर स्टाइल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. एम्पायर स्टाइल गाउन्स एक ऐसी गाउन्स होती हैं जिसकी वेस्ट लाइन उसकी वेस्ट पे ना होके जस्ट बस्ट के नीचे होती है. सो दिस इज द एम्पायर ड्रेस जिसको इन्होंने रिवाइव किया था. मीन्स वो कहीं मतलब आउटडेट हो गई थी, उनको इन्होंने वापस मार्केट में लाया. इंस्पायर्ड बाय एन इंटरेस्ट इन ईस्टर्न आर्ट एंड रशियन बैलेट, ही क्रिएटेड थिएट्रिकल इवनिंग गाउन्स इंक्लूडिंग द आइकॉनिक लैम्प शेड ट्यूनिक. मीन्स लैम्प शेड के स्टाइल का एक ट्यूनिक टॉप बनाया इन्होंने. हैरम ट्राउजर्स एक्सेसराइज्ड विद टर्बन्स एंड ब्राइट ह्यूज ऑफ पर्पल, ब्राइट कलर्स ऑफ पर्पल, रेड, ऑरेंज, ग्रीन एंड ब्लू. इस तरह की ट्राउजर्स इन्होंने बनाई जिसको कि टर्बन के साथ भी स्टाइल किया जाता था. ही वॉज एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल इन द प्री वर्ल्ड वॉर वन पीरियड, बट हिज पॉपुलैरिटी वॉन इन द 1920s. His wife was his muse, means unki inspiration thi, unke sath kaam karti thi, and his model whose slender figure inspired modern straight line dresses. Ye unki wife thi jo ki inspire karti thi aise straight line dresses ke liye, because inki ekdam hi slender figure thi. He is known for liberating all women from their shackles of bone and steel by doing away with the restrictive corset, because us time कॉर्सेट पहनना एक नेसेसरी थी वेमेन के लिए, कि उनको कॉर्सेट पहनना ही पहनना है, जिसकी वजह से उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती थी, उनको बैठने में प्रॉब्लम होती थी. तो इन्होंने क्या किया, इस चीज के बारे में वेमेन को अवेयर किया, उनको हेल्प किया इन इमर्जेंस फ्रॉम देयर स्ट्रिक्टली ऑर्नामेंटल पोजिशन दैट दे ऑक्यूपाइड टू दैट टाइम. हिज कुटूर एंड कॉस्ट्यूम्स फॉर थिएटर इंडिकेटेड his creative vision that changed the course of clothing history
टुवर्ड्स मॉडर्न फैशन. तो इस तरह से इन्होंने फैशन की डायरेक्शन को या फैशन को एक नई पहचान दी. ओके, सो द नेक्स्ट इज गैब्रियल शनेल. इनको सब जानते हैं. पॉपुलरली नोन एज कोको शनेल वॉज अ फ्रेंच फैशन डिजाइनर हु वॉज एट फोर फ्रंट ऑफ पेरिसियन हॉट कुटूर फॉर ऑलमोस्ट 60 years. दैट्स अ लॉन्ग टाइम. शी इंस्पायर्ड वुमेन टू डिस्कार्ड द, जैसे उन्होंने किया था, इन्होंने भी वुमेन को इंस्पायर किया कि वो अपने अनकंफर्टेबल पेटीकोट्स को, बड़ी बड़ी हुप स्कर्ट्स को, कॉर्सेट्स को डिस्कार्ड कर दें. हर फैशन स्टाइल वॉज कैजुअल येट एलिगेंट. शी वॉज फर्स्ट टू डिजाइन ट्राउजर्स फॉर वुमेन. इससे पहले वुमेन सिर्फ स्कर्ट्स पहनती थी, टीम्ड विद स्वेटर्स एंड जर्सी निट ब्लाउजेस. इस तरह से आप देख सकते हैं इन्होंने ट्राउजर्स और स्वेटर्स को डिजाइन किया था. हर अर्ली क्लासिक डिजाइन सच एज द शनेल सूट, इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, शी इज वेरी पॉपुलर फॉर द लिटिल ब्लैक ड्रेस. एज यू कैन सी हियर, दिस इज लिटिल ब्लैक ड्रेस दैट इज वेरी क्लासिक, जो कभी भी आउटडेट नहीं होती, आज तक भी मार्केट में चल रही है ये, आई बेट आपको कहीं भी मिल जाएगी. द क्विल्टेड पर्स, दिस टाइप ऑफ क्विल्टेड पर्स, इसकी बहुत सारी कॉपीज आपको मार्केट में देखने के लिए मिल जाएंगी, जिसमें ये डबल सी लोगो होता है. सबसे पहले ये शनेल ने ही डिजाइन किया था. स्ट्रिंग ऑफ लार्ज पर्ल्स, सॉरी, इस तरह के लार्ज पर्ल्स आप देख सकते हैं जो इनकी मेन एक्सेसरी थी. कंटिन्यू टू बी एक्सट्रीमली पॉपुलर, जिनके लिए ये जानी जाती हैं. ओके, सो द नेक्स्ट इज जीन पेटो. सो ही अलॉन्ग विद कोको शनेल वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कुतूरियर्स इन पेरिस इन द 1920s. So his designs were striking for their simplicity in comparison to the prevailing fashion. इन्होंने generally sports wear में काम करा. He understood that sports were the biggest influencer of lifestyle and the clothes required for sports had to be modernized and simplified. The shorter tennis skirt was considered as radical design at a time when covered arms and legs were the rule for women even during sport. Means अगर women sport भी खेल रही है तो covered arms and legs उस time compulsory थे, जबकि इन्होंने short tennis skirt को design किया, as you can see on the screen. Okay, so the next is Christian Dior. इनको mostly सब जानते हैं. Commonly known as Dior, he is a very successful French luxury goods company. He is a very renowned designer. Christian Dior is the most influential fashion designer of the late 1940s and 1950s. Iska matlab agar main century ki baat karun to 20th century ki baat ho rahi hai. His collections were very well served to please different sectors in the market. His private clientele, retail stores, buyers and wholesalers who were buying copyrights of his design for mass production. सोचिए कितना involved थे business में. His ability to foresee that women were awaiting at the end of austere trees of World War II led to the creation of ultra feminine silhouette in 1947 known as the new look. इन्होंने women की fashion को बिल्कुल ही change कर दिया. So this was the new look created by Christian Dior and this is famous till now. Okay, so the next topic comes, अभी तक हम लोग international designers के बारे में बात कर रहे थे, अभी हम लोग Indian designers के बारे में भी बात करेंगे. अब आप लोगों को पता है कि India has a rich cultural heritage of crafts and textiles. अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहाँ का अपना क्राफ्ट होता है, अपनी टेक्सटाइल्स होती हैं, दैट हैव बीन एंड कंटिन्यू टू बी अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन इवन टुडे. इंडियन डिजाइनर्स मोस्टली क्राफ्ट बेस्ड और हमारे इंडियन टेक्सटाइल बेस्ड फैब्रिक्स को ही यूज करते हैं. Designers in every forum are seen to leverage the knowledge and skill of weavers. Means weavers को भी वो लोग एक्नॉलेज करते हैं या उनको भी ये चीजें, चीजों के बारे में अवेयर करते हैं कि वो अपनी वीविंग टेक्निक्स को थोड़ा सा और चेंज करके और इसमें कुछ अच्छा बना सकते हैं.
लेकिन इंडिया में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको अगर कुछ बनवाना है या कुछ एक्सपेरिमेंट करना है तो आप लिमिटेड यार्डेज में कर सकते हैं. मीन्स आप सिर्फ एक साड़ी में भी वो चीज करवा सकते हैं, बट बाहर ऐसा नहीं होता है. बाहर तो बहुत बहुत मीटर्स में कपड़ा बनता है, पूरे के पूरे होलसेल वो जो रोल्स होते हैं वही बनते हैं. लेकिन इंडिया में ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कस्टमाइज करा सकते हैं अपनी हर चीज को अपने अकॉर्डिंग. द इंडियन कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ ग्लोबल फैशन ब्रांड्स एज वेल एज सीजनल फैशन ट्रेंड्स. तो वो लोग वेस्टर्न और इंडियन को फ्यूज भी करते हैं, वेस्टर्न को भी इंडियन टच देने की कोशिश करते हैं और इंडियन को वेस्टर्न टच देने की कोशिश करते हैं. इट इज दिस इंडियन कंज्यूमर हु इज बोथ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न. इंडिया में लोग ट्रेडिशनल वेयर और वेस्टर्न वेयर दोनों पहनना पसंद करते हैं. द इंडियन फैशन इंडस्ट्री इज रिलेटिवली अ नेसेंट, मींस डेवलपिंग स्टेज पे अभी हुई नहीं है एज कंपेयर टू द वेस्टर्न फैशन इंडस्ट्री विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोएक्टिवली catalyzing the growth of fashion business. Government of India established NIFT as an autonomous body to impart professional education in fashion and technology. ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि बहुत लग्जरियस नहीं, बहुत प्राइम सेंटर माना जाता है कि अगर आपको फैशन डिजाइनिंग सीखनी है तो NIFT से बेटर ऑप्शन इज नोवेयर इन इंडिया. Which has now become the nation's premier institute, whose alumnus are prominent designers, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं रितु बेरी, मनीष अरोरा, you can read Sabyasachi Mukherjee is also a NIFT alumni, पंकज निधि, गौरव गुप्ता, अमित अग्रवाल, ये जितने भी बड़े बड़े नाम हैं सब NIFT से pass out हैं. Okay, now we will discuss the Indian designers. ओके, सो शी इज रितु कुमार. वी विल लर्न अबाउट हर कि इन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है इंडियन फैशन इंडस्ट्री में. रितु कुमार इज अ पायोनियर इन डिजाइनर अपैरल इन इंडिया एंड हाईली रिस्पेक्टेड फॉर हर इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन इन रिवाइविंग इंडियन हेरिटेज फॉर ट्रेडिशनल जरदोजी एम्ब्रॉयडरी. मीन जिनको सबसे ज्यादा जाना जाता है ट्रेडिशनल जरदोजी एम्ब्रॉयडरी को रिवाइव करने के लिए, मीन्स दोबारा से लाने के लिए. The combination of Zardozi and block printing is a major contributor to her Indian bridal wear line. Means ये उसमें block printing के ऊपर embroidery का काम करती हैं. Her business began in Kolkata with two small tables, becoming the first women to introduce a boutique culture in India under the brand name Ritu. इनका एक label है जिसका नाम ही label है. That includes the best of Indian design with specially produced range of high fashion garments and accessories using silk, leather and cotton. Mainly cotton mein kaam karti hai ye. Her aesthetic style reflects her understanding of the ancient design and tradition of Indian craftsmanship. Inke designs bahut zyada traditional hote hain, where textures and embellishments are used in a contemporary way, means modern way mein use hoti hain embellishments and textures to create a new classicism. While her forte lies in the traditional Indian clothes that draw heavily on textile and embroidery heritage of India, she has also ventured into ready-to-wear line called Label. Jaisa ki maine abhi aapko bataya, inka ek aur label hai jiska naam hi Label hai, that launched in 2002 in partnership with her son, has contemporary and young feel. Means जैसे कि इनका फोर्टी है कि एकदम ट्रेडिशनल क्लोथ्स और ब्राइडल वेयर में, बट इनका एक और लेबल है, रेडी टू वेयर लेबल है वो, जो इन्होंने अपने बेटे के साथ शुरू किया 2002 में, जिसमें एक मॉडर्न और यंग फील है. हर बिजनेस हैज इंक्रीज टू 14 सिटीज इन इंडिया विद ब्रांचेस इन पेरिस एंड न्यूयॉर्क. Ritu has been awarded the Padma Shri Award in 2013 for her exceptional and distinguished service in the field of fashion, textile and craftsmanship. Her book Costumes and Textiles of Royal India traces the history of textiles and art design in India. Okay, the next designer is Sabyasachi Mukherjee, and everybody knows his name. Sabyasachi Mukherjee is very famous for designing bridal wear outfits.
Sabyasachi Mukherjee, an alumnus of NIFT, is undoubtedly India's most popular designer of bridal wear, selling under his successful eponymous label Sabyasachi. Eponymous label हमने पढ़ा था, कौन सा होता है जिसमें कि लेबल का नाम और डिजाइनर का नाम सेम होता है. Using indigenous crafts of dyeing and intricate embroidery में ये बहुत ही खूबसूरत काम करते हैं. With revivalist developments in weaving, he gives a modern twist to traditional silhouettes. His initiatives to revive khadi, save the sari campaign, support the weavers of Murshidabad are commendable. Designing for Bollywood actors and actresses and other global celebrities, he calls it international styling with an Indian soul. Because inke designs mein, traditional designs mein modern touch hota hai. He is an influential, versatile designer with global business collaboration for accessory or shoe design, home products, beauty products, hotel decor, wallpaper and more. Means he sirf garments mein kaam nahi karte aur bhi variety of category mein kaam karte hain. He has designed costumes for several Bollywood films and even several Bollywood weddings and won the National Award winner for best costume in a feature film. ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि he was a award national award winner for the movie Black in released in 2013. Okay, the next designer is Manish Arora. इनके designs सबसे हटके सबसे अलग होते हैं, जैसा कि आप इनकी खुद की फोटो में भी देख सकते हैं कितने colorful, कितने quirky designs होते हैं. कुछ भी ऐसा नहीं होता कि आप एकदम पिकअप कर लोगे कि ये क्या है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि इनके डिजाइन्स में है क्या. मनीष अरोरा इज आल्सो एन एलुमनाई ऑफ निफ्ट. ही लॉन्च्ड हिज लेबल इन 1997. द सक्सेस ऑफ हिज लेबल लेड टू हिज एग्जिबिट एट द लंडन फैशन वीक इन 2005 एंड टू ईयर्स लेटर इन 2007 ही शोकेस्ड हिज कलेक्शन एट द पेरिस फैशन वीक. अब ध्यान से सुनना, he was appointed as creative director for the iconic French fashion house. So, jo kitni badi baat hai ye. So, he designed two successful creations, collections. His designs are unique, distinct and very quirky. Experimental for the customer who is unconventional and progressive with an eye for unusual details. Means, inke designs bahut usual ya flowery, aisa kuch nahi hota hai. Inke designs bahut hi quirky aur bahut hi alag hote hain. He is included among the world's most influential designers by the Business of Fashion 500, which is a professional list of fashion influencers. He has much international and national collaboration and sells in many stores across countries. Okay, now we will study about brands and e-brands. Okay, so a brand is a type of product manufactured by a particular company under a particular name. A brand is not only about a logo, packaging, or promotion, but the identity and the values that a product or service or the company that it offers. However, the name and logo identify and differentiate a product from other similar products. Means different brands ke same products bhi milte hain. Jaise agar main mobile phone ki baat karun to jo ek smartphone hai wo bahut sari brands bechti hai. In an increasingly competitive market, the branding of products is necessary for identity, taki aap apne aap ko dusri company se differentiate kar paye. Positioning and profitability, ki aapka product kis type ka hai, kahan position hona chahiye aur usse kitna profit aayega. Brands may cater either to the mass market or the luxury market. E-brand refers to the brand of any company that is available through the internet, commercial websites. Most businesses are exploring the potential of various online channels, which includes search engine and online marketplace. आजकल जितने भी brands हैं, जितने भी companies हैं, वो ऐसी बहुत सारी marketing strategies use कर रही हैं, बहुत सारी platforms और channels explore कर रही हैं, जिससे कि उनके product को और भी ज़्यादा attention मिले. Products bought online are cheaper than in a store, जिससे कि online shopping एक बहुत ही popular चीज़ बनी हुई है आज के time में. The online retail, which is currently around 25% of the total organized retail market in India, is expected to further increase.
मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, एमेजॉन एंड अदर्स सेल प्रोडक्ट्स थ्रू देयर पोर्टल्स केटरिंग टू वेरीड रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर्स. सो व्हाट आर द ब्रांड्स इन इंडिया? एज इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग clothing companies have different brands to cater to different segments of the domestic markets, mainly women's wear, men's wear, kids wear, or isko further categorize bhi kiya ja sakta hai, casual wear, sports wear, ethnic wear, etc. jisme ki Nike, Adidas, Reebok and other sports wear brand create casual wear and sports wear for men's wear, women's wear and kids wear categories. A brand may choose to serve the entire product category or one or some of its subcategories. For example, electronics की बात करें तो एक brand सिर्फ television भी बना सकता है या फिर पूरी category या पूरा market भी capture कर सकता है. For example, Raymond has sub brands such as ColorPlus, Park Avenue, Parks, The Raymond Shop, etc. Similarly, Madura Garments, a subsidiary of Aditya Birla Group, owns sub-brands such as Louis Philippe, Van Hosen, Allen Solly and Peter England via their individual brand stores and through other multi-brand outlets. In 2008, the Indian market faced an upheaval with the entry of international brands. 2008 ke baad इंडिया में इंटरनेशनल ब्रांड्स की एंट्री हुई. सम वर हाई स्ट्रीट ब्रांड्स सच एज मार्क्स एंड स्पेंसर, H&M, ज़ारा, मैंगो एक्सेट्रा. हाउएवर, ब्रांड्स सच एज गुची, डियोर, अरमानी एंड प्राडा टारगेट द लग्जरी और द प्रीमियम सेगमेंट्स. हाउएवर, विद एक्सपीरियंस ऑफ बीइंग इन दिस बिजनेस फ्रॉम 2-3 डिकेड्स, Indian brands understand the pulse of the market of the Indian consumer very well because Indian consumer ke taste ko pehchan pana bahut hi mushkil hota hai because wo traditional bhi hote hain, at the same time wo modern bhi hote hain. Indian brands also primarily target the high end market and the mass market. Most fashion designers cater to high end consumer segment by participating in fashion weeks jisme ki retailers bhi hote hain, buyers bhi hote hain, बुटीक ओनर्स भी होते हैं, अदर डिज़ाइनर्स भी होते हैं. ब्रांड्स लाइक डब्लू, फैब इंडिया एंड अदर्स केटर टू द मास मार्केट कंज्यूमर्स. देयर कलेक्शंस आर डिज़ाइन एंड प्राइस्ड टेकिंग द टारगेट कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स एंड बजट इन कंसिडरेशन. नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंटरनेशनल ब्रांड्स. ब्रांड्स बिकम फेमस फॉर द एस्थेटिक एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्वियसली, अदरवाइज मार्केट में भी बहुत चीज़ें मिलती हैं. प्रोडक्ट्स की कमी तो मार्केट में भी नहीं है जो लोकल शॉप्स होती हैं. बट ब्रांड किस चीज़ के लिए फेमस होते हैं? उनकी एस्थेटिक्स के लिए, उनकी क्वालिटी के लिए. ग्लोबल लग्जरी ब्रांड्स सच एज लुई विटॉन, बर्बरी, गुची, डियोर ऑफर अ वाइड रेंज ऑफ मर्चेंडाइज रेंजिंग फ्रॉम क्लोथिंग, एक्सेसरीज, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड परफ्यूम्स, जिनके एस्थेटिक्स और क्वालिटी ही उनकी पहचान है. Cartier and Tiffany are luxury jewelry brands. Several high street brands have extended beyond the country of origin and are now available in other countries as well. Some examples are Marks and Spencer UK, H&M Sweden, Zara and Mango Spain, Vero Moda Denmark, Uniqlo Japan, Levi's USA. Some companies, in addition to apparel, have also extended their product range to lifestyle products such as home furnishing like cushions, covers, quilts, curtains and rugs. Example of such companies are Pottery Barn, Spiegel, IKEA and others. So thank you for watching my video and please like my video, share my video and subscribe my channel. Aur agar aapko ye video acha laga ho to please कमेंट भी करके मुझे बताइएगा. उसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलता है जल्दी जल्दी वीडियोस लाने के लिए. थैंक यू सो मच.